Oh no! Hi guys! वेलकम टू माई चैनल विनीज वर्ल्ड और मैं हूँ विनीज। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करने वाली हूँ और ये लुक है नवरात्रि का डे 3 मेकअप लुक। और मैंने बहुत ही इजी वे में ये लुक क्रिएट किया है। जितने प्रोडक्ट यूज किए हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसकी सारी डिटेल्स। और मैंने एक लहंगा वेयर किया है और ऊपर एक ब्लाउज जो कि बहुत ही सिंपल है और मेकअप लुक भी बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को इजी रहेगा क्रिएट करने में, जो कि जल्दी जल्दी में हमको जाना रहता है, ऑफिस से आए होते हैं और हमें देर हो गई होती है, तो बहुत ही सिंपल है और अच्छा भी लगता है। और या देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मेरा DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे और मैं उसे अपने फेस पे स्प्रे करूँगी ताकि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलिंग करूँगी मेरे फेस को। मैं यहाँ पे फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी और मुझे जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है मेरे अंडर आई एरिया को और फोरहेड को वहाँ मैं कंसीलिंग करूँगी और एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मेरे फेस को सेट करूँगी एक कॉम्पैक्ट हेल्प से और मेरे पास यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट मेरा शेड है कोरल। बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल कॉम्पैक्ट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैट फिनिश देता है अपने फेस। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दो लिक्विड लिपस्टिक ली है, उसमें से मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी और अपनी आईलेट पे लगाऊंगी। अच्छे तरीके से मैं उसे अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद उसे मैं एक फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा ड्राई होने के बाद मैं उसे अपनी क्रीज लाइन तक लेके जाऊँगी और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। लिक्विड लिपस्टिक को आप एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और काफ़ी मैट फिनिश भी देता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ब्लू काजल ले रही हूँ और मेरी अपर लैश लाइन के बिल्कुल क्लोज लगाऊंगी, जैसे कि हम लाइनर लगाते हैं। और हाँ, आपको बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसको बाद में स्मच ही करने वाले हैं एक लाइनर की तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट शेडर ब्रश लिया है और उसको विंग निकालते हुए मैं अच्छी तरीके से स्मच कर लूँगी ताकि एक स्मोकी लुक आए। और सेम ब्रश की हेल्प से मैं दूसरी आईलेट पे भी उसे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी और स्मच कर लूँगी। देन अगेन मैं ब्लू हेवन का काजल ले रही हूँ सेम, और उसको मैं मेरी वाटर लाइन में काजल की तरह अप्लाई करूँगी। देन मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा ले रही हूँ और मैं कोई फॉल्सेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल एंड क्विक मेकअप है, तो मैं फॉल्सेस नहीं लगाना चाहती। तो मेरी अपर और लोअर लैश लाइन में कुछ इस तरीके से मैं लगा लूँगी और जो भी प्रोडक्ट हमारा बचा हुआ होगा उसको हम आईब्रो सेट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं ये शिवाना कलर का पैलेट लूँगी, उसमें से कॉन्ट्रोल शेड पिक करूँगी और मेरे नोज़ को, मेरे जॉ लाइन को, मेरे फोरहेड को अच्छी तरीके से मैं कॉन्ट्रोल कर लूँगी। एंड देन सेम पैलेट के अंदर से मैं ये ब्लश वाला शेड पिक करूँगी और मेरे चिक्स पे लगाऊँगी और काफ़ी सटल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा उबर के नहीं आएगा तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। और इसी तरीके से मैं लगाऊँगी एक ब्रश की हेल्प से और सेम पैलेट के अंदर से मैं ये दो हाइलाइटर शेड पिक करूँगी और मेरे हाई एंड पॉइंट्स पे मैं लगाऊँगी जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ, और ये काफ़ी पिगमेंटेड है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। फोरहेड पे, चिन पे और मेरे ब्राउ बोन पे, मेरे इनर कॉर्नर्स पे, क्यूपिड्स बो, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने जो ये पहले दो लिपस्टिक बताई थी उसमें से ये दूसरी लिपस्टिक है, ये भी किस ब्यूटी की है और ये मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने पूरा सेट ले रखा हुआ है, अगर आपको लेना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे हेयर को बैक कॉम कर रखा है और एक चोटी बना दूंगी, उसमें से थोड़े थोड़े हेयर मैं निकाल लूँगी और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और काफ़ी अच्छा बाउंस भी आएगा। तो एक मेकअप सेटिंग स्प्रे जो कि मेरा DIY है, मैंने पहले यूज़ किया था, उसको मैं मेरे फेस को मेरे सेट करूँगी और ये है कंप्लीट लुक गाइस।